बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से भाई मैं आपके साथ लाइव हूं और आपको दिखा रखा हूं एक बहुत ही खूबसूरत मोबाइल हवावे पी 30 लाइट, यानी कि हवावे पी 30 और हवावे पी 30 प्रो का छोटा भाई पी 30 लाइट, जो कि उनसे कम रेट में भी अवेलेबल है मार्केट में। आपको इसके प्राइस भी बता दूंगा सऊदी अरब में इस वक्त इसका क्या रेट चल रहा है और ये मोबाइल क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा एक दोस्त भाई इस मोबाइल को पिछले 2-3 माह से यूज़ कर रहा है, उसने लिया हुआ था, उसने कितने का लिया उस वक्त और इसके मुतालिक उसका क्या रिव्यू है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, क्या ये मोबाइल आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और सऊदी अरब में इसके प्राइस क्या हैं। चलते हैं इसके बॉक्स की तरफ। हवावे पी 30 लाइट ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 48 MP ट्रिपल क्विड कैमरा, यानी कि इसके भाई तीन कैमरे, 40 मेन कैमरा 48 MP का है। इस तरफ भी पी 30 लाइट लिखा हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है मोबाइल के ऊपर, लेकिन इस तरफ जो लिखा है वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। 128 GB स्टोरेज और 6 GB रैम में ये मोबाइल अवेलेबल है, जो मेरे पास है भाई। हालांकि 128 GB स्टोरेज और 4 GB रैम में भी इसका एक मॉडल अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन प्राइस कुछ कम होंगे। मेड इन चाइना के ही मोबाइल आते हैं हवावे के, ये मैं आपके साथ वाजे करता चलूँ, लेकिन हवावे के मोबाइल बहुत ही अच्छे होते हैं देखने में और इस्तेमाल करने में भी। इसके अंदर भाई बॉक्स अगर खोलें तो एक सिलिकॉन का कवर मिलता है। ये ठीपन आप जो देख रहे हैं ये ओवर मार्किंग लगाया गया इस बाइक की तरफ से, लेकिन सिलिकॉन का कवर इसके साथ ही आता है। ये गाइडलाइन बुक है जी, ये ग्लास इसके साथ भाई स्क्रीन ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्ट भी आता है, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन का है, यानी कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो एक अदद सिम जो सिम निकालने वाली पिन जो हर मोबाइल के साथ आती है, तो हैंड फ्री ये भाई यूज़ कर रहा है। हैंड फ्री मैं आपको दिखाता चलो, वही पुराने वाला मॉडल हवावे का, सेम सैमसंग जैसा, जो कि इतने महंगे मोबाइलों के साथ भी अभी यही आ रखा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हवावे को अपनी हैंड फ्री अपडेट करनी चाहिए अभी लाजम इन मोबाइलों के साथ। तो USB टाइप केबल है जी, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, हालांकि मेड इन चाइना है, क्योंकि इसका भाई चार्जर ही मेड इन चाइना है, तो जाहरी सी बात है तो USB केबल जो है ये भी चाइना ही होगी, जो चार्जेबल मोबाइल को चार्जेबल है। तो अगर भाई चार्जर की बात करें तो देख ले जी, आप कोई भी मोबाइल इससे चार्ज कर सकते हैं, ये मेड इन चाइना है और क्विक चार्ज है, फास्ट चार्जर है, 18 वाट फास्ट चार्जर, यानी कि आपके इस मोबाइल को ये भाई 30 मिनट के अंदर 20 से 80 पर ले जाएगा चार्ज करते हुए, 30 मिनट के अंदर 18 वाट की ये पावर रखता है चार्जिंग की। अभी चलते हैं मोबाइल की तरफ, तो मोबाइल देख लें भाई, देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसका जो सेल्फी कैमरा है बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में दिया गया है, हालांकि ये डिस्प्ले के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अगर P30 की लाइट करें भाई, तो P30 का सेम कैमरा भी, सेल्फी कैमरा ऐसे ही दिया गया है। मैं आपको बैक कैमरा चलाकर इसका दिखाता हूँ, उसका रिजल्ट भी चेक करवाता हूँ, आप रिजल्ट देखें जी। 48 MP का इसका बैक कैमरा, यानी कि 48 MP का इसका बैक कैमरा और रिजल्ट माशाल्लाह इसका काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको शायद के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मोबाइल से इधर से ज़्यादा बेहतर ना दिखाई दे, लेकिन इसका मोबाइल का जो भाई बैक कैमरा है काफ़ी कमाल का है। तो और देखते हैं जी, अगर इसके तीन कैमरे हैं तो दूसरे तीन कैमरे, एक दूसरा 8 MP का और तीसरा 5 MP का। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो वो पीछे दिया गया है, स्क्रीन के अंदर नहीं दिया गया है, जो कि काफ़ी तेज़ है। हालाँकि P30 में यही फिंगरप्रिंट स्कैनर भाई डिस्प्ले के अंदर दिया गया है, लेकिन इसके बैक साइड पर दिया गया है और फ्लैश लाइट तीनों कैमरों के नीचे रखी गई है। और स्टाइल वाइज भाई मोबाइल बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हल्का सा है, ज़्यादा वेट नहीं है इसका और बिल्कुल स्लिम है, बिल्कुल स्लिम इसे बोल सकते हैं आप, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप भाई खास कर में लेडीज़ अगर ये मोबाइल लेना चाहें तो उनके लिए ये बहुत परफेक्ट रहेगा। इसका डिस्प्ले भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और देखने में मोबाइल बहुत ही खूबसूरत है। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो वो भी कमाल का है जी। फंक्शन वगैरह इसके सब चल रहे हैं जी मियाँ, अभी मैं आपको क्या चला कर दिखाऊँगा इसके अंदर। और इसी मोबाइल के मतलब आपको बताता चलूं भाई, नीचे से देख रहे हैं स्पीकर लगा हुआ है, वो चार्जिंग के लिए जगह दी गई है और हैंड फ्री की जहां पर लगाते हैं वो है। अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड पर भाई सिर्फ और सिर्फ ऑन ऑफ का बटन है और वॉल्यूम का बटन है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसकी सिम रखने की जगह किधर दी गई है, वो आपको मैं देखता हूँ दिखाता हूँ। इस तरफ भी नहीं है सिम और मेमोरी कार्ड की जो जगह होती है, तो किस तरफ है भाई, देखते हैं किधर गई, नीचे तो बिल्कुल नहीं है। तो हाँ ये रही जी, ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर वाली साइड पर
ये हवावे ने ये नया सिस्टम निकाल दिया पी सीरीज में। अभी ऊपर वाली साइड पर इसके सिम, आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं या दो सिम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ वाजह करता चलूं। अगर आपने मेमोरी कार्ड इसमें इस्तेमाल करना है जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 128 GB स्टोरेज में ये मोबाइल अवेलेबल है भाई। चलाने में माशाल्लाह बहुत स्मूथनेस है, इसका डिस्प्ले कमाल का, हाई रेजोल्यूशन में आपको तस्वीर और वीडियो दिखाएगा। और इसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ भाई कि ये जैसा कि मैंने आपको पहले बोल दिया, लाइट वेट है और बिल्कुल स्लिम है, बहुत ही खूबसूरत मोबाइल बनाया है हवावे वालों ने। अभी इसके प्राइस की बात करेंगे तो भाई इसके प्राइस मैं आपको बताता हूँ, सऊदी अरब में जब मेरे इस भाई ने ये मोबाइल लिया था तो इसने 900 रियाल का लिया था, लेकिन अभी एक्स्ट्रा में भाई कुछ दिन पहले मैंने लगा देखा था, एक्स्ट्रा जो सऊदी अरब की सुपर मार्केट है, बड़ी मार्केट है मोबाइलों की, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मतलब, वहाँ यही मोबाइल 700 रियाल में लगा हुआ था डिस्काउंट पर। अगर आप अभी मार्केट में भाई घूमेंगे तो मार्केट में भी ये मोबाइल आपको भाई ज़्यादा से ज़्यादा अभी 750-800 की रेंज में मिल जाएगा। आज से 3 माह पहले की बात है, उस टाइम 900 रियाल का भाई ने लिया था, तो अभी ये 800 रियाल में आपको मिल जाएगा। अगर डिस्काउंट वगैरह में आप कहीं लेंगे तो आपको 700 रियाल में मिल जाएगा ये सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में, क्योंकि मैंने खुद देखा एक्स्ट्रा में ये भाई 700 रियाल का लगा हुआ था। अगर मेरे भाई आपको किसी और मोबाइल के मुतल्लिक जानना हो कि उसका रेट क्या है सऊदी अरब में, उसका रिव्यू करें, तो वो मैं कमेंट कीजिएगा आप मुझे, मैं उस मोबाइल के मुतल्लिक भी आपको कंप्लीट रिव्यू करके बता दूंगा और उस मोबाइल के प्राइस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक बस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।